हुसैन आबिद को, आबिद को बोलना कैमरा मुझे दे। हट जा जल्दी करो। स्पेशल असिस्टेंट्स यहाँ पे मौजूद, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान मस्तूम कैंपस, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज किला सैफुल्ला, गवर्नमेंट डिग्रीज कॉलेज किला सैफुल्ला गर्ल्स मुस्लिम बाग, एग्रीकल्चर कॉलेज क्वेटा ब्यूटम्स क्वेटा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोब के तलबा और तालबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। पिछले कुछ अरसे से इस लैपटॉप का सिलसिला हुकूमत बलूचिस्तान और स्टेक होल्डर्स की काविशों से जो चला आ रहा है, और यकीनी तौर पे हर वो स्टूडेंट जो इस तवक्को में हमेशा रहता था कि उन्हें लैपटॉप नहीं मिला है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इन चंद सालों में हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी से चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजेस तक ये सिलसिला पहुंचा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज़ माशाल्लाह इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। हर दफ़ा इस तकरीब में तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आम तौर पे कोई तकरीब और होती है तो ऑडियंस मुख्तलिफ आते हैं और सब्जेक्ट बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में बाकायदा बार बार आना और फिर बच्चों के साथ एक नए सब्जेक्ट पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारे मुस्तकबिल में जो एक बहुत अहम रोल आपका है उसमें आपको गाइडेंस मिले, सजेशन मिले, और उससे बढ़कर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप इस प्रोग्राम के हवाले से पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर बलूचिस्तान में अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, आपको एक मुख्तलिफ़ इलाकों में, यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका, इन सब चीज़ों से आप मुस्तफीद हों। नॉलेज एक की है और सक्सेस है दुनिया में हर चीज़ के हवाले से, यहाँ तक कि हमारे दीन में भी जब कुरान में ज़िक्र बार बार आता है तो अक़ल का, सोचने वालों का, नॉलेज बेस्ड का, इल्म का ज़िक्र हर लिहाज से आता है, और ये हमें हिंट देता है कि हमने अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जाना है तो हमारा नॉलेज बेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यही नॉलेज आपको दीन की, इल्म की तरफ भी ले जाता है, दुनिया में कंपैरेटिवली भी दिखाता है, चीज़ों को तवाज़ुन करने का एक मौका भी देता है, वो एक टूल, वो एक बेंचमार्क आपकी ज़िंदगी में बनाता है। और जब आप अपने स्कूल से, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस से निकल के बाहर जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, ये मजमूआ जो तकरीबन 10, 15, 20 साल में जमा होता है, ये आपको फैसिलिटेट करता है। दुनिया में गारंटीज़ किसी चीज़ की नहीं है, कोई आपको किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, सिर्फ मौत की गारंटी है
बाकी दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं, कब आएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो शायद जा भी सकती है, नहीं है तो बहुत मिकदार में भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। और आपको अपनी ज़िंदगी में हर हवाले से तैयार रहना होता है कि आपकी ज़िंदगी में ये सारे मौके, ये सारे इवेंट्स आएंगे, आप उसके लिए कितना प्रिपेयर हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देखा है कि तालीम आपको किसी न किसी हद तक 60-70% तक इक्विप करती है बहुत सारे उन चीज़ों के हवालों से जो शायद आपकी ज़िंदगी में दूसरे मामलात आपको इक्विप नहीं कर सकते। हुनर और तालीम और जब कंबाइन जाते हैं तो अमूमन उन कौमों को हमने बड़ा कामयाबी देखा है। आज हम चीन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, आने वाले वक्तों में गल्फ स्टेट्स की भी बात कर रहे हैं। इन सब कौमों का अगर आप तज़िया निकालें तो इस फील्ड में किसी न किसी एक फील्ड में उन्होंने बहुत महारत हासिल की है, या तो एजुकेशन में बहुत आगे गए या तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत आगे गए। और बहुत कम ऐसे मुल्क आपको मिलेंगे जहां आप बोलें कि तालीम भी नहीं हो, हुनर भी नहीं हो और वो मुल्क बहुत आगे निकल गए। यकीनी तौर पे हैं कुछ ऐसे ममालिक जिनको कुदरत ने वसीला बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन कामयाबी उन कौमों की होती है जहाँ आम इंसान की ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जाए। चंद अशख़ास अगर उस मुल्क के अमीर हैं और दुनिया के उन चीज़ों से आरासा हैं जो मैं और आप ख्वाहिश करते हैं या दुनिया के सारे लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमारे पास भी ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये घर होना चाहिए, ये कारोबार होना चाहिए, ये बहुत कम मकदार होती है। लेकिन आप इंसान जो एक ज़िंदगी में कोशिश करता है, मेहनत करता है, तालीम के ज़रिए, हुनर के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए, वहाँ पर ये सक्सेस स्टोरीज़ आपको नहीं मिलेंगी अगर उस कौम में तालीम और हुनर दोनों ना हो। और ये एक साथ दोनों में है, ख्वातीन और मर्द दोनों के लिए। हम शायद अपनी सोसाइटी में इस बात को बहुत नज़रअंदाज करते हैं कि हमारी सोसाइटी में ख्वातीन का एक बहुत अहम रोल है हर लिहाज से, एक घर के लिहाज से, एक फैमिली के लिहाज से, एक सपोर्ट के लिहाज से, एक फैमिली इमोशनल स्टेबिलिटी के हवाले से, बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, माशरे में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ में हाथ बढ़ाने के हवाले से एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये कम्बिनेशन जब बहुत बैलेंस जाता है तो हम देखते हैं कि वो इलाके, वो लोग, वो फैमिली बहुत आगे तरक्की करती है। और जहाँ इसके अंदर डिस्पैरिटी या कमी बेशी नज़र आती है उन घरों के अंदर, उन फैमिलीज़ के अंदर हमें चीज़ों में बड़ी कमज़ोरी नज़र आती है। आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है जो शायद बहुत सारे बच्चों के पास और बच्चियों के पास नहीं है। आप यकीनी तौर पे अपने गांव में, अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज भी नहीं जाते, यूनिवर्सिटियों में नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं फिर भी नहीं जाते। आपको अल्लाह ताला ने वो मौका दिया है और आपके पेरेंट्स ने आप पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ साथ आप पे एक बहुत बड़ा एफर्ट डाला है कि आपको तालीम से वाबस्तगी के हवाले से आप पे इन्वेस्ट किया है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसकी रियलाइजेशन आपको अभी नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे आस्ते बढ़ते जाएंगे आपको एग्जैक्टली इन वर्चूज़ और इन सारी चीज़ों का उस वक्त एहसास होगा जब आप ज़िंदगी में कम से कम 35-40 साल की एज से आगे जाएंगे। फिर आपको एक फील होगा कि ये कंपोनेंट मेरी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट था और मैं शायद थोड़ा और पढ़ लिख जाता, शायद थोड़ा और काम कर जाता, शायद मेरी डिग्री थोड़ी और अच्छी होती, शायद मैं इस कॉलेज से हट के उस कॉलेज की तरफ एडमिशन ले लेता, शायद इस यूनिवर्सिटी की तरफ कोशिश करके बाहर चला जाता, तो आज मेरी जो जॉब है इसी इंडस्ट्री के अंदर, इसी फील्ड के अंदर, इसी काम के अंदर मैं एक और अफसर हो सकता था, शायद ये जो मेरा बॉस है इसकी जगह मैं बैठा होता।
लेकिन उस वक्त ये रियलाइजेशन इंसान को फिर बहुत आगे ले जाती है, और उस वक्त आपको रियलाइज होगा, फिर आप अपनी मेहनत अपने बच्चों पे करेंगे कि उनको वो तालीम आप दे सकें, वो हुनर दे सकें जो शायद आप हासिल नहीं कर सकें। और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ आज इस पूरे गैदरिंग में ऐसे लोग होंगे जिनके माँ बाप शायद पढ़े लिखे ना हों, उनके पास शायद हुनर नहीं था, ज़मींदार होंगे, माल मवेशी में होंगे, बिजनेस में होंगे, कारोबार में होंगे, लेकिन उन्होंने चाहा कि जी हम नहीं पढ़े, आप ज़रूर पढ़ना, और आपके लिए हमने अच्छे स्कूल में आपको भेजा या आपको कॉलेज में भेजा। ये वो शौक और ये वो जो वैक्यूम आपके पेरेंट्स ने फील किया, उन्होंने आपके लिए आगे आपके लिए मेहनत की और उसमें आगे आपको लाए। देखिए दुनिया में अगले 5-10 साल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अगर आप 30-40 साल पहले चले जाएं, वो रेट ऑफ चेंज जो था वो बड़ा स्लो था, उस रेट ऑफ चेंज में आहिस्ता से तेज़ी आती गई। और जैसे दुनिया में कहा जाता है कि शायद दुनिया की तरक्की में पिछले 2000 साल में इतनी तरक्की नहीं हुई होगी जो इन पिछले 30-40 सालों में हुई है। तो उसकी बड़ी सिंपल मैकेनिज्म है कि मॉडलिटीज़ और टूल्स इम्प्रूव हो गए। जिस कैलकुलेशन को एक स्टूडेंट मेरे ख्याल दिनों में करता था, आज सेकंड्स में करता है। जिन मैटर्स को कंप्यूटर्स एक ज़माने में जो बहुत बड़े बड़े होते थे, यानी कि एकड़ों के हिसाब पे कंप्यूटर्स लगते थे प्रोसेस करने में, आज शायद एक बॉक्स करता है, और आने वाले टाइम में जो अभी भी आ गया एक फ़ोन कर लेता है, फिर आगे आने वाले टाइम में एक छोटा सा चिप भी कर लेता है। सो ये रेट ऑफ स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये आपके लिए ऐसे ऐसे सरप्राइजेस लाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। 10 साल पहले आपके ही देहात में आप अगर किसी को बोलते कि मैं आपको आपके बुज़ुर्ग हों या आपके वालिद वालदा हों या आपके चाचा चाची वगैरह दूसरे हों, आप उनको बोलते कि एक ऐसा फ़ोन है जिसके ज़रिए मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ कि देखें बाहर आपका बेटा है, पढ़ रहा है, या आपका भाई है, ये उसकी तस्वीर है, ये आपसे बात कर रहा है, कभी यकीन नहीं करता आपको, बल्कि 6 साल पहले यकीन नहीं कर सकता था। स्काइप थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन व्हाट्सएप, फेस टाइम, ये बिल्कुल आलात 6-7 साल के नए नए हैं। लेकिन हमने ये चीज़ें देखी हैं कि इन 6 साल में चीज़ों ने इतनी तरक्की की कि आज टेक्नोलॉजी वो काम कर रही है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते थे, और मुमकिन है इन 5 सालों में आप वो चीज़ें भी तसव्वुर करने देखेंगे या आप प्रैक्टिकली देखेंगे जो मैं और आज आप कंसीव भी नहीं कर सकते, यानी हम सोच भी नहीं सकते वो होगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि अगर आप लोग ने कामयाब होना है, अगर आप चाहते हैं आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपके फ्यूचर में वो अपॉर्चुनिटीज़ जो दूसरे ममालिक में या दूसरे लोगों के लिए है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी होगी, और आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जितनी कमज़ोर होगी आप उस अपॉर्चुनिटी से दूर दूर आस्ते आस्ते दूर जाते रहेंगे। और मेरा ख़्याल इन स्टूडेंट्स में आप सब के साथ हम बैठे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची या ऐसी स्टूडेंट नहीं होंगे जो ये चाहेंगे कि जी हम उस अपॉर्चुनिटी से बहुत दूर हैं। हर आदमी ये चाहेगा कि मैं एक्सेल करूँ और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकूँ। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मीन्स आपके पास बहुत आसान हो गए। आज जैसे खालिक हज़ारा साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हूर बुलेदी साहब और आजी अस्कानी साहब अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो खालिक हज़ारा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे हमें कोई लैपटॉप देगा। मुझे याद है कि जब नया नया कंप्यूटर आया था तो हर बच्चा ये शौक़ रखता था कि जी मेरे कमरे में कंप्यूटर हो, मैं अपना असाइनमेंट, मैं अपना काम अच्छी तरीके से कर सकूँ। आज ये इतना आम हो चुका है कि सबको मिल रहा है। सो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ टूल जो आपके पास अभी आई है, ये आपको वो प्लेटफॉर्म देगी, आपके काम को आसान करेगी। और मेरे ख़्याल गवर्नमेंट्स को हमें इन सारी चीज़ों पे और इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करे आपके लिए, फ्यूचर के लिए। आप यकीनी तौर पे बाहर गए होंगे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपने विज़िट किया होगा, और आपके लिए यानी कि आपके लिए विज़न खोलता है।
ट्रैवल ज़रूर करें, चाहे आप कॉलेज की कैपेसिटी में कर सकें, प्राइवेटली कर सकें, ट्रैवल ज़रूर किया करें, पाकिस्तान में फिरें और अपॉर्चुनिटी मिले बाहर भी जाएं। मैं तो हमेशा इसको रिलीजियसली रिलेट करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेड हमेशा बहुत किया। अल्लाह ताला ने कभी अगर अपने पैगंबरों से कोई काम कराया वो बग़ैर किसी मकसद के नहीं था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। ट्रेड इंसान को ट्रैवलिंग कराता है, ट्रेडर हमेशा ट्रैवलर होता है और ट्रैवलर हमेशा एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है, वो एक नए माहौल को देखता है, एक नई ज़बान देखता है, एक नया माशरा देखता है, एक नई ज्योग्राफी देखता है, एक माहौल को देखता है जो उसके माहौल से मुख्तलिफ है, लोगों के काम को देखता है, चीज़ों के तरतीब को भी देखता है। हो सकता है एक जगह एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, दूसरी जगह थोड़ी मुख्तलिफ हो, तो आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है और मौका ना मिले अपने सूबे में ज़रूर जाएं। मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं जब बहुत सारे अजला में जाता हूँ, बशमूलियत मेरे भी, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे वज़रा बैठे, अब हम कभी कभी कुछ अजला में जाते हैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जा रहे होते हैं, बलूचिस्तान के अंदर होते हुए भी बहुत सारे, अभी हम जोब गए तो पहली दफ़ा गए, कुछ लोग किला सैफुल्ला गए तो पहली दफ़ा गए, यहाँ से बहुत सारे लोग तुर्बत ज़िंदगी में पहली दफ़ा गए, ग्वादर पहली दफ़ा गए, झल मक्सी पहली दफ़ा गए। इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा, ट्रैवल करें, एहसास आपको बेहतरी आएगी, चीज़ों का आपको पता चलेगा और आपको एक बैलेंस भी पता चलेगा, और फिर आपका बैलेंस हमारे लिए भी बड़ा अच्छा है कि आप जब अपने हलकों में जाएंगे तो आप अपने MPA से ये बात कह भी सकते हैं कि देखें जी, मैं ज़िले में गया था और वहाँ के MPA साहब ने तो अपने लिए कॉलेज भी बनाया है, रोड भी बड़ा अच्छा बनाया है, यूनिवर्सिटी के लिए भी मेहनत की है, आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रेशर भी डाल सकते हैं और ये प्रेशर आपकी तरफ से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी तरफ से जो डिमांड आएगी आपके हलकों के रिप्रेजेंटेटिव्स फिर वो काम करने के लिए मजबूर होंगे आपके लिए। लेकिन जहाँ आपकी तरफ से प्रेशर नहीं आता या डिमांड नहीं आती, फिर उन इलाकों में मैंने देखा काम भी नहीं होता। अब मुझे बड़ी खुशी हुई, जैसे हम जोब गए, लोरालाई गए, वहाँ BRC बना हुआ है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपसेस बने हुए हैं, इसी तरह तुर्बत अगर आप जाएँ, तुर्बत जाते हुए बड़ी खुशी हुई, हाजी असकानी साहब वहाँ के MPA भी हैं, ज़हूर बुलेदी साहब भी वहीं के हैं बैठे हुए, कि ये नई यूनिवर्सिटी बनी है, नए कॉलेजेस बन रहे हैं, तो कंपैरिजन एक बड़ा अच्छा डेवलप होता है, शहर बड़ा अच्छा बना है। और बहुत सारे बलूचिस्तान के ऐसे भी अजला हैं, आप यकीन करें, जहाँ हम पहली दफ़ा गए वहाँ हम ऐसे लगा कि हम कोई 50 साल पहले की दुनिया में चले गए, और वो रोड पर भी हैं, उनको फ़ंड भी उसी तरह मिलता था और उनकी एक्सेस बहुत सारे अजला से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमने वहाँ तरक्की नहीं देखी। तो ये जो तरक्की का पैमाना है, ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप मुख्तलिफ कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं। मैं किला सैफुल्ला की जैसे बात करूँगा, यहाँ पर मेरे ख़ास स्टूडेंट्स वहाँ से बॉयज़ भी हैं, आपके ज़िले में क्रोमाइट का बहुत काम होता है और बहुत सारे शायद फैमिलीज ऐसे होंगे जो क्रोमाइट का काम भी करते होंगे। वहाँ पे वैल्यू एडिशन मैंने नहीं देखी। अभी एक प्लांट था जिसकी इनॉग्रेशन हमने पहली दफ़ा की कि इस मिनरल को थोड़ा बेहतर कैसे किया जा सकता है, आप लोग उस पर फोकस करें। एक रिसोर्स जो आपके पास है, हम जैसे बहुत कॉपर की बात करते हैं कि रेकोडिक में बड़ा कॉपर है, चागी में है, किला सैफुल्ला में भी कॉपर का काम होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको एज अ प्रोजेक्ट देखना चाहिए कि एक अल्लाह ने एक वसीला अगर आपको अपने गांव के अंदर, अपने हलके के अंदर दिया है, आप उसमें क्या काम कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा फ्यूचर मिले, एक अच्छा बिजनेस मिले और आप उसी में बेहतर काम कर सकें। इसी तरह बहुत सारे हमारे मुस्लिम बाग के भी मेरे ख्याल स्टूडेंट्स साथ हैं, ये दोनों अजला में तकरीबन यही काम होता है। और पाकिस्तान क्रोमाइट के अंदर एक्सपोर्ट में दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, लेकिन वैल्यू एडिशन में कहीं पे भी नहीं है। इसी की अगर आप वैल्यू एडिशन करें तो इसकी कीमत 10 गुना ज़्यादा बढ़ती है। उस पर काम करें, एज अ टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट इसको बनाएं, किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, आप उसमें से किस तरह कमा सकते हैं, क्योंकि आपने भी जॉब करनी है, आप सब ने अपने लिए फ्यूचर बनाना है।
اسی طرح آپ مختلف ایریاز میں اگر آپ جائیں جہاں پہ کنیکٹیویٹی کی بات آتی ہے, میں مستوں کی بات کروں گا کیونکہ جو اسٹوڈنٹس یہاں ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک سبجیکٹ کچھ نہ کچھ ہے. ایک زمانے میں مستوں میں زعفران اگایا جاتا تھا, بہت سال پہلے, کوئی 40-45 سال پہلے. پاکستان میں آج زعفران کہیں نہیں اگتا, اور دنیا میں زعفران کی قیمتوں کا اندازہ اگر آپ کو ہو, یہ تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے, کہیں 2.5 لاکھ روپے کے جی ہوتا ہے. ایک کے جی کوئی 2.5 سے 3.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. ایران بہت اگاتا ہے, دنیا میں سب سے بڑا گروور جو ہے زعفران کا وہ ایران ہے. ہمارے یہاں لورلائی اور مستونگ یہ علاقے ہیں جہاں آپ زعفران کی پلانٹیشن کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر رہے. یہاں ہر آدمی صرف یہ سوچتا ہے کہ کامیابی صرف ایک سرکاری نوکری میں ہے, اور اس سے ایک سرکاری نوکری کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے. آپ کے پاس وہ بزنس اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ نے اس صوبے میں دیے ہیں کہ یہاں پہ میرے خیال شاید اگر ہم صحیح توجہ دیں تو یہاں کسی کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ آپ لوگوں کو نوکریاں دے سکتے ہیں. بڑا سمپل ہے, اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. یہ وہ قدرتی وسائل ہیں, اور یہ اس وجہ سے زعفران یہاں نہیں اگتا کہ یہاں پہ یہاں کے لوگ بڑے قابل ہیں, یہاں کے لوگ بڑے ہنرمند ہیں. دو چیزیں ہیں جو دنیا میں آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, کہیں سے اٹھا کے لا نہیں سکتے. ایک ہے موسم اور دوسرا اس کے الٹیٹیوڈ. اب کوئٹہ اگر 6,000 فٹ کی بلندی پہ ہے تو آپ کراچی کو نہیں لا سکتے 6,000 پہ. کوئٹہ ہے ہی ہے, زیارت 8,000 پہ ہے تو کوئٹہ 8 پہ نہیں جا سکتا. تو یہ الٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہر علاقے کے اندر قدرتی طور پہ بہت ساری چیزوں کا ایسا وجود ہے جس کا بینیفٹ ملتا ہے. تو ان کو آپ لوگ اگر ایکسپلور کریں تو میرے خیال آپ کو بہت بڑی اپرچونیٹی چیزوں میں نظر آ سکتی ہے. بیوٹمس کے اسٹوڈنٹس کچھ ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج کل ایک بہت بڑا دور ہے, کیونکہ ہر چیز کو ابھی ڈیٹا کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. ہر چیز کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی, لیکن ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ شاید ہر چیز تقریباً اسی میکینزم پہ کام کرے گی. ایک چھوٹی سی مثال آپ اے ٹی ایم مشین کی لے لیں. اے ٹی ایم مشین ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک چھوٹا سا بہت پرانا ثبوت ہے کہ جہاں کوئی بیٹھا انسان نہیں ہے لیکن وہ مشین آپ کو پیسے دیتی ہے. پہلے یہی کام آپ بینک میں کرتے تھے, بینک میں جاتے تھے, ایک ٹوکن لیتے تھے. پرانے زمانے میں یہاں بینکر بیٹھے ہوں گے, اسٹیٹ بینک کا, نیشنل بینک کا تھا, وہ ٹوکن پہ آپ کو جا کے آپ کا چیک ملتا تھا, پھر پیسے ملتے تھے. آج کل اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے امپروو کر لیا, موبی کیش آ گیا ہے. آپ دکان پہ جاتے ہیں, دکاندار آپ کو پیسے دے دیتا ہے. اور فردر آپ نے کام کیا تو آپ کے بیسکلی اب جیسے چائنا کے اندر ہے وی چیٹ ان کا ہے, وہ وی چیٹ کو ایز اے پیمنٹ ٹول استعمال کرتے ہیں. جس طرح آپ کا واٹس ایپ ہے, آپ اپنا واٹس ایپ دکھائیں گے تو وہ آپ ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں, آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ بس کے اندر ٹریول بھی کر سکتے ہیں. سو یہ وہ میکینزمز ہیں جو دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور بیسک آپ کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر آپ ملاپ ایک بنا کے چیزیں آگے جا رہی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بیوٹمس کے اندر اس پہ بڑا کام کیا جا رہا ہے, لیکن اس پہ اور کام کی بہت ضرورت ہے. سو آپ ہم کوشش کریں گے کہ کالجز میں, پولیٹیکنک کالجز میں, بی آر سیز کے اندر ان سبجیکٹس کو ہم لائیں, کیونکہ یونیورسٹی کے لیول پہ یہ بہت لیٹ ہو جاتی ہیں. کالج لائف میں اس کو آنی چاہیے تاکہ کالج کے اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹیز میں جائیں تو ان کے پاس ایک بہت بڑا کم از کم نالج بیس ہو ان چیزوں کے حوالے سے. سو لیکن ایک پورے چیز کو اگر آپ سمیٹ کے ایک بات میں لے آئیں, اس میں دو رائے بالکل نہیں ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے بغیر پروگریس بہت مشکل ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریں. آپ ماشاءاللہ سارے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے تقریباً اپنی لائف کے اندر 60-65% جو اکیڈمی ایک لائف ہوتی ہے جہاں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے وہ آپ نے گزار لیا ہے. یہ آخری کی سیڑھیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ویسے یہ سب سے خطرناک جو ہوتی ہیں کہ آپ یہ جس اسی طرح کی مثال ہے جس طرح یہاں سیب کے بیوپاری اگر کوئی بیٹھے ہوں تو وہ زمیندار جو ہے نا وہ بیچارہ 9 مہینے محنت کرتا ہے اور 3 مہینے پھر تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے اور بیوپاری آتا ہے, اس سے 3 مہینے کے لیے باغ ٹھیکے پہ لے لیتا ہے اور پھر منافع کماتا ہے. جو لاسٹ پیریڈ آف 30% اور آپ کے اکیڈمک لائف کے ہیں نا, بہت سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں.
कि ठीक है जी, अब एक नौकरी मिल रही है, अब मैंने यूनिवर्सिटी अर्ली ग्रेजुएशन कर लिया, अब मज़ीद पढ़ने का नौकरी तो करनी है, तो बस यही ठीक है। ये आखिरी जो चंद सीढ़ियाँ हैं इन पर अपना हिम्मत ना हारिएगा, कोशिश करके आगे जाएं, क्योंकि ये चंद साल जब आप गुजार लेंगे फिर आप यकीनी तौर पे आपको एहसास होगा कि ये आखिरी 10% उस 90% से भी ज़्यादा था। और ख़ासकर आपकी मास्टर डिग्रीज़ हो गई या फर्दर आपने अगर किसी सब्जेक्ट्स में PhD करना है या कुछ और करना है, तो उस पर कोशिश करें कि ये आखिरी कुछ टाइम्स हैं जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे, उसको पूरा अच्छा गुजारें। हमारी कोशिश यकीनी तौर पे ये होगी कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एक अच्छा माहौल दें, अच्छी फैसिलिटेशन दें, कॉलेज में अच्छी फैसिलिटेशंस दें, क्योंकि बहुत कमी है कॉलेजेस BRCs के अंदर, पॉलीटेक्निक्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सूरत हाल जो आइडियली होनी चाहिए उस तरह नहीं है, क्लासेस जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है, लैब्स जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है, टीचर्स जिस क्वालिटी और जिस लेवल के प्रोफेसर्स होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और यकीनी तौर पर ये सारी चीज़ें अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे तो उसमें फिर आपका कसूर नहीं है कि आप अच्छी तालीम की तरफ नहीं जा सकते, वहाँ फिर बहुत सारे सवालात हमारी तरफ आते हैं। तो एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम है जिसकी तरफ हम पिछले 1.5 साल से उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कोशिश है कि जो है उसको बेहतर करें, कि इससे अच्छा कि हम 10 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स की तरफ चले जाएं कि वो भी कंप्लीट ना हो, ये भी ना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पॉलीटेक्निक और जो रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, उनको हम इक्विप्ड करें, बेहतर करें, कंप्लीट करें, ताकि लोगों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मिल सके। माई बेस्ट विशेज, गुड विशेज ऑल्सो, कि आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी में आपकी मदद करे। आपके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा इनपुट है, एक बहुत बड़ी एनर्जी उन्होंने आप पे लगाई है, आप पे इन्वेस्ट किया है। इस नए साल के साथ एक नई एनर्जी के साथ स्टेप इन करें, मायूस ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, लेकिन आपकी मायूसी सिर्फ आपकी लाइफ को ख़राब करेगी, इसका असर किसी पे नहीं होता। मैं और आप नाराज़ होकर बैठ जाएं कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, किसी पे कोई असर नहीं पड़ता, आप डीमोरलाइज होंगे। सो मायूस ना हो, अपनी एफर्ट करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये टूर हमें वॉइस ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जो मिला है बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने ऐसे जगहों पे गए हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा, ख़ास करके गवादर जहाँ पे CPAC का जो वो काम शुरू था हमने पहले कभी नहीं देखा था, और ना ही ऐसे बातें सुनी। वहाँ पर हम लोगों की मुलाकात बहुत से ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने हमें CPAC के बारे में बताया। इसके बाद हम लोग कराची गए और वहाँ पर भी अच्छे कमांडर से मिले, उससे मिले, तो रेंजर से मिले, कराची रेंजर से। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कुठा आए बाई प्लेन, तो आज लैपटॉप सेरेमनी थी तो हमें लैपटॉप भी मिले जाम कमाल के हवाले से। तो हमने उनसे सवालात किए और उन सवालात के ज़बरदस्त जवाब भी मिले, तो हम लोग बहुत खुश थे। लैपटॉप को जो आजकल के हर स्टूडेंट को ज़रूरत होती है, ख़ास करके असाइनमेंट के लिए कोई काम हो, नेट पे सर्च करते हैं, तो लैपटॉप हर स्टूडेंट के लिए मस्ट ज़रूरी होता है। तो हम लोग जो है ना अभी इसका इस्तेमाल भी अच्छे से करेंगे, सो हर स्टूडेंट के लिए मस्ट होता है। तकरीबन फ्री 8 दिन के टूर था, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अभी तक बहुत ही अच्छी माहौल एनवायरमेंट, बहुत ही अच्छा माहौल रहा। और आज इस सेशन से जो सबसे इंटरेस्टेड था और हमें जो जिसके वो ये थे कि सीएम साहब से मिलना था, यही बहुत ही अच्छा रहा। सीएम साहब ने एक उस्ताद की तरह हमें बहुत सी अच्छी वो चीज़ें बताई जिनके हमसे इनसे तवक्कु थे और इनसे उम्मीद थी।